नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाएंगे खांडवी। खांडवी बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च कटी हुई बारीक, नारियल कद्दूकस किया हुआ, पानी एक बाउल, बेसन एक बाउल, दही एक बाउल, एक चम्मच राई, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग जार में बेसन डालेंगे एक बाउल, दही डालेंगे एक बाउल, पानी डालेंगे आधा बाउल, एक चम्मच नमक और एक चौथाई चम्मच हल्दी। अब इसे हम मिक्सी से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये मिक्स हो चुका है। अब मिक्सी को कर दे ऑफ। ये देखिए, अब इसमें बाकी का बचा हुआ पानी डालते हैं। ऑन करिए अपना ये बैटर को पैन में डालिए। लगातार चलाते हुए इसे एकदम थिक स्मूथ बैटर तैयार कर लीजिए। थिक बैटर बनकर तैयार है। गैस को करें ऑफ और इस बैटर को लीजिए अपनी थलिया या ट्रे जिसमें चाहे उसमें लगाइए और इसे ढक दीजिए, नहीं तो ये ठंडा जल्दी हो जाएगा। और इसे अपने स्पैचुला से फैला लीजिए, एकदम पतला बैटर फैला लीजिए। हमने ये तीन जगह लगा के रख लिया है और ये 4 मिनट के लिए सुखा के रखा है। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग चाकू की सहायता से इसे हम इसकी नोक से ऐसे करेंगे जिससे हमारे ये रोल बन जाए। ऐसे हमने रोल बना के रख लिए हैं। अब तड़का बनाते हैं। गैस को ऑन कीजिए। थोड़ा सा कम कर लीजिए। रिफाइंड ऑयल डालिए। रिफाइंड ऑयल को गर्म होने दीजिए। रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गया। गैस को बंद ही कर दीजिए। मत डालिए राई। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अब इसे ऊपर से सजा देंगे। ये हमने तड़का लगा दिया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कद्दूकस किया हुआ नारियल। खांडवी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।